मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 360 केंद्रों पर कुल 29,056 लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया, जिसमें पहली डोज लेने वालों में 8,341 लोग तथा दूसरी डोज लेने वालों में 20,715 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि नियमित वैक्सीनेशन के सभी एडिशनल सीएमओ अपने अपने फील्ड में विजिट कर रहे हैं। इसी के साथ WHO की टीम भी निगरानी कर रही है, जहाँ भी कमियाँ मिल रही हैं वहाँ उस कमी को दूर किया जा रहा है। सीएमओ ने लोगों से अपील किया है कि कोविड का टीका लगवाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं, जिससे छूटे हुए लोग वैक्सीनेशन करा सके और कोविड की तीसरी लहर से बच सकें। सीएमओ ने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र हथियार वैक्सीनेशन ही है, इसलिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, अरे बात काफी नहीं है ना, फोटो भी जाए यहाँ कुछ करेंगे देखिए। आज 360 स्थानों पर हमारे यहाँ टीकाकरण चल रहा था, जिसमें हमारे पास अभी तक जो है 6,500 जो है पहली खुराक लग चुकी है और 18,050 जो है हमारी सेकंड खुराक लग चुकी है। हमारे जितने भी एडिशनल सीएमओज हैं सबको क्षेत्र बांट दिया गया है, सब लोग नियमित इसकी निगरानी करने फील्ड में विजिट कर रहे हैं और WHO की टीम, यूनिसेफ की टीम और UNDP की टीम जो है इसकी सतत निगरानी कर रही है। जो भी जहां कमियां मिल रही हैं उसको हम लोग लगातार दूर कर रहे हैं। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शीघ्र टीकाकरण करा लें, जिससे कि आने वाली संभावित कोविड की तीसरी लहर से हम सब बच सकें।